हेलो व्यूअर्स, आज का वीडियो एक बजट ओरिएंटेड बाइक के बारे में है और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, TVS Radeon। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को इस बाइक के बारे में पता ही होगा और जिन लोगों को पता नहीं है वो इस वीडियो को देखिए लास्ट तक। ये मेनली एक बजट ओरिएंटेड कम्यूटर बाइक है और आप इस बाइक को अपने किसी भी काम के लिए, डेली यूज़ के लिए इस बाइक को आप यूज़ कर सकते हैं। इस बाइक को मेनली बनाया गया है रूरल एरिया में हेवी ड्यूटी वर्क्स के लिए और इसमें आप बहुत सारे लोड भी आप लगा सकते हैं और उसको आप लेके कहीं भी जा सकते हैं। लुक्स के मामले में ये बाइक 70% दिखता है हीरो स्प्लेंडर प्लस की तरह। आप अगर ध्यान से देखेंगे इसका साइड पोर्शन, सामने का पोर्शन और पीछे का पोर्शन, हर तरफ से ये बाइक एक स्प्लेंडर प्लस बाइक लगता है। लेकिन कुछ कुछ चेंजेस इस बाइक में हैं और कुछ कुछ चीज़ें इस बाइक में अच्छी भी है। इस बाइक का जो हेडलाइट है वो एक LED DRLs के साथ मिलता है, जो LED DRLs नीचे रहता है और उसके ऊपर रहता है एक हैलोजन लाइट। और इस लाइट के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्रोम फिनिश दिया गया है। इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक एनालॉग और बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और यहाँ पे स्पीड मीटर, ओडोमीटर और उसके साथ साथ यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर भी मिल जाता है। हेडलाइट के पीछे नीचे की तरफ एक USB चार्जर के ऑप्शन भी दिया गया है, जिसके साथ आप अपने कोई भी स्मार्टफोन या फिर कोई भी फ़ोन को आप चार्ज कर सकते हैं। और इस बाइक का टैंक आप देख सकते हैं और इसके ऊपर एक TVS का जो लोगो है वो भी दिया गया है। और इसके साथ साथ इसके साइड में, दोनों साइड में कुछ पैड भी दिया गया है जो देखने में रॉयल एनफील्ड क्लासिक के पैड की तरह लगता है। इस बाइक का जो सीट है वो बहुत ही लॉन्ग और वाइड है और इसका कुशनिंग भी बहुत ही अच्छा है और इसमें राइडर और पिलियन दोनों ही बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और इस बाइक के पीछे की तरफ जो बैकलाइट मिलता है वो दिखने में एकदम सेम टू सेम स्प्लेंडर प्लस की बैकलाइट के जैसा ही है। रेडियन का पिलियन ग्रैब व्हील एक कैरियर के साथ आता है और वहां पे आप कुछ भी सामान बांध कर ले जा सकते हैं। सामने की तरफ मिलता है टेलीस्कोपिक फोक्स और पीछे की तरफ मिलता है डुअल हाइड्रोलिक सस्पेंशन। दोनों ही टायर्स ट्यूबलेस है और 18 इंच व्हीलबेस के साथ आता है। और इस बाइक में और एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है, जब भी आप अपने बाइक को ऑन करेंगे तब अगर आपका जो साइड स्टैंड है वो अगर आपने नहीं उठाया है तो वहाँ पे एक बीप का साउंड आता ही रहेगा जब तक आप उस साइड स्टैंड को नहीं उठाएंगे। इस बाइक में 109.7 cc का एक इंजन मिलता है जो एक एयर कूल्ड इंजन है और ये इंजन 8.2 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है और 8.7 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और इसमें 4 गियर्स मिलते हैं। सामने और पीछे दोनों ही तरफ ड्रम ब्रेक मिल जाता है और सामने का जो ड्रम ब्रेक है उसका साइज़ है 130 mm और पीछे का साइज़ है 110 mm। और इस बाइक का जो ब्रेकिंग है उसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है, लेकिन इस सिस्टम को TVS कंपनी ने एक दूसरा नाम दिया है और जिसका नाम है SBT टेक्नोलॉजी। इस बाइक का जो ऑफिशियल माइलेज क्लेम है वो है 69 किलोमीटर्स पर लीटर, लेकिन इस बाइक में आपको रियल कंडीशन में 62 kmpl तक मिल जाएगा। TVS Radeon का वेट है 112 किलोग्राम और ये बाइक 95 किलोमीटर्स पर आवर तक पहुंच सकती है। इस बाइक में 4 कलर ऑप्शंस मिलते हैं जो है मेटल ब्लैक, पर्ल व्हाइट, गोल्डन और रॉयल पर्पल। TVS Radeon का एक शोरूम प्राइस है 52,000 रुपीज़। 100-110 cc सेगमेंट में ये बाइक एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, लेकिन इस बाइक में कुछ कुछ चीज़ों का कमी है, जैसे कि इस बाइक का माइलेज उतना ज़्यादा नहीं है। हीरो स्प्लेंडर प्लस, हीरो CD डिलक्स, बजाज प्लाटिना, ये सब बाइक में आपको इस बाइक से ज़्यादा माइलेज मिलेगा, लेकिन इस बाइक का कंफर्ट लेवल इस सेगमेंट में सबसे अच्छा है। अगर आप डेली कम्यूट करते हैं और डे टू डे लाइफ में कोई भी बाइक को चलाना चाहते हैं तो आप इस बाइक के बारे में सोच सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और नीचे कॉमेंट करके बोलिए इस बाइक के बारे में जो भी कहना है आप लोगों को। और इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।